हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी 1 के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि आए ही आए। सो प्लीज इनको पढ़ के जरूर जाइएगा, और आपको अगर इनमें से किसी के भी हमारे आंसर चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको इसके आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे हमारे। तो बात करते हैं हम लोग यूनिट 1 की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, राइट इट्स स्कोप एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। फार्माकोग्नोसी क्या होती है और इसके स्कोप और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसकी हिस्ट्री हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आती है, अक्सर लॉन्ग में आती है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस अबाउट क्रूड ड्रग एंड इट टाइप। कितने टाइप के हमारे क्रूड ड्रग्स होते हैं, मतलब हमारे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, इसके बारे में बोल रहा है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन सोर्स ऑफ ड्रग। कितने टाइप के हमारे सोर्स ऑफ ड्रग होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्रूड ड्रग। टैक्सोनॉमी के बेस पे हम लोग क्रूड ड्रग को कैसे डिफाइन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, डिफाइन एडल्ट्रेशन, इट्स टाइप एंड इवैल्यूएशन। एडल्ट्रेशन क्या होता है, उसके दो टाइप्स हमारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे, और उसका इवैल्यूएशन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारी यूनिट 2 की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्या होता है, हम लोग प्लांट्स को कैसे उगाते हैं। सेकेंड हमारा, डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, मतलब हमारे हो गया हमारा एल्टीट्यूड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब। थर्ड क्वेश्चन हमारा, डिफाइन पॉलीप्लॉडी एंड हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा 2 या 5 नंबर पूछ लेता है हमसे। अब यूनिट 3 हमारी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड इट्स टाइप। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं हमारे। सेकंड क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। वो कौन कौन से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं जो हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर को चाहिए होते हैं। थर्ड हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में ही आता है, 5 नंबर से कम तो आएगा नहीं। व्हाट आर एडिबल वैक्सीन, राइट इट्स प्रिपरेशन। एडिबल वैक्सीन क्या होती है, कैसे प्रिपेयर होती है हमारी। अब हम लोग बात करेंगे हमारी यूनिट 4 की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 या 7 नंबर के आसपास आता है। सेकंड हमारा, डिफाइन सिद्धा सिस्टम। ये भी आ सकता है अगर आयुर्वेदिक नहीं आया तो। थर्ड क्वेश्चन हमारा, डिफाइन एल्कोलाइड एंड ग्लाइकोसाइड। देखिए एल्कोलाइड एंड ग्लाइकोसाइड, इन दोनों में कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। अब हम लोग बात करेंगे हमारी यूनिट 5 की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन मैराइन सोर्स ऑफ ड्रग। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा जाता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। देखिए जितने हमारे ड्रग्स हैं, जितने हमारे फैट्स, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी हमारे सारे हैं, हमें उन्हें सबको पढ़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ ही पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर के मूड का। पर हमारे जो मोस्ट हैं वो है हमारे, गिव सोर्स प्रिपरेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ हनी अगर एंड कैस्टर ऑयल। हमें हनी अगार और कैस्टर ऑयल, इन तीनों के बारे में पूरा पूरा बताना पड़ेगा। जबकि बायोलॉजिकल सोर्स और जो हमारी फैमिली है, हमें वो कॉटन, जिलेटिन, वूल, फैट और पेपेन की बतानी है, याद रखनी है। वैसे याद रखिएगा, हमें सब कुछ इसमें पढ़ना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिट 5 में।